अरुणाचल प्रदेश के बेहद सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में मौजूद तवांग जिला सन 1962 के चीनी आक्रमण के बाद सुर्खियों में आया था। ये वही इलाका है जिसे आज भी चीनी अपना हिस्सा मानता है और भारत पर इसे छोड़ने का जब तब दबाव भी बनाता रहता है। लेकिन तवांग की पहचान सिर्फ भारत और चीन के बीच मौजूद विवादित क्षेत्र के तौर पर ही नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मॉनेस्ट्री भी तवांग की एक बड़ी पहचान है। लगभग 330 साल पुरानी इस मॉनेस्ट्री का निर्माण सन 1680 में हुआ था। बाहरी दुनिया से अलग थलग ये जगह आज भी अपने अंदर ढेरों राज छिपाए हुए है। ज्ञानगंज के माध्यम से आज हम आपको इस मॉनेस्ट्री से जुड़े एक बेहद गुप्त प्रथा के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तवांग मठ तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। तवांग जिले के बोमडिला से ये मठ 180 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित इस मठ को गोल्डन नमंगया लाओत्सो के नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार मठ बनाने के लिए इस स्थान का चयन एक काल्पनिक घोड़े ने किया था। तब मठ के संस्थापक मेराक लामा को मठ बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में काफी कठिनाई हो रही थी। ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है आशीर्वाद दिया हुआ। क्योंकि इस स्थान को दिव्य घोड़े ने अपना आशीर्वाद दिया था, इसलिए इसका नाम तवांग पड़ा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मौजूद देवी से जो भी मनोकामना की जाती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। कहते हैं कि मठ में मौजूद देवी को 3 साल में एक मर्तबा ही बाहरी दुनिया के सामने लाया जाता है। इस प्रक्रिया को करने से पहले दलाई लामा सहित मठ में मौजूद अन्य वरिष्ठ गुरुओं की स्वीकृति के बाद ही ये संभव है। देवी यहाँ साक्षात रहती है और उनकी आज्ञा से ही सारे काम और अन्य बड़े फैसले लिए जाते हैं। मॉनेस्ट्री से बाहर अन्य कहीं भी जाने से पहले यहाँ देवी से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। मुराद मांगने के लिए सफेद रंग का एक दुपट्टा लेना होता है, जिसमें कुछ सूखे चावल और मूंग की दाल को लपेटा जाता है। दुपट्टा हाथों में ले देवी के सामने अपनी मन की इच्छा कही जाती है और इसे देवी के ऊपर सीधे हाथ से फेंका जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी साक्षात है और वो कहीं भी हर बातों को सुनती है। दुपट्टा अगर देवी के ऊपर या उनकी आकृति को छूकर वही रह गया तो ऐसा माना जाता है कि मांगी गई हर मुरादी पूरी होती है। मठ में 500 के करीब लामा है जो 2 विद्याओं सूत्रक और तांत्रिक का ज्ञान लेते हैं। एक लामा को रोज सुबह 2:30 बजे उठना पड़ता है, जबकि रात 9:30 तक इनके लिए सोना अनिवार्य है। मॉनेस्ट्री के मुखिया को गुरु रिम्बुची के नाम से बुलाते हैं। इस मठ के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ मौजूद एक तांत्रिक मॉनेस्ट्री किमने कोम्पा का जिक्र आता है। उन्होंने बताया कि 35 साल की विद्या ग्रहण कर एक लामा हवा तक में उड़ सकता है। बताया जाता है कि किमने कोम्पा मॉनेस्ट्री का एक लामा ऐसी ही विद्या में महारत रखता था और उसने एक बार यहाँ हुई भारी बारिश को अपनी दाढ़ी के बाल जला तंत्र विद्या से रोक दिया था। यहाँ आकर पर्यटक अपने आप को प्रकृति की गोद में पाएंगे। ये प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है। पर्यटक यहाँ पर खूबसूरत चोटियाँ, छोटे छोटे गांव, शानदार गोम्पा और शांत झील के अतिरिक्त इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं का संरक्षण भी देख सकते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा पर्यटक यहाँ पर अनेकों बौद्ध मठ भी देख सकते हैं। ये मठ दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्यों को देखा जा सकता है। तवांग मठ दूर से किले जैसा दिखता है। पूरे देश में ये एक प्रकार का अकेला बौद्ध मठ है। दोस्तों, हमने जो आपको तवांग मठ के बारे में जो जानकारी दी है वो बहुत बहुत ही कम है। तवांग मठ रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अगर आप तवांग के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप एक किताब भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी, जिसमें तवांग मठ के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अरुण कुमार शर्मा जी ने बताया है। इस वीडियो से जुड़े सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में निस्संदेह पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल ज्ञानगंज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।